आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट ऑडियोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। बट ऑडियोलॉजिकल टेस्ट डिस्कस करने के पहले हम लोग को ह्यूमन ईयर का बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पता होना चाहिए। सो आज हम लोग ह्यूमन ईयर का बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इसको डीप में कवर नहीं करेंगे, सुपरफिशियल लेवल पे कवर करेंगे। सो हमारा जो ह्यूमन ईयर होता है ये बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेरिफेरल पार्ट एंड सेंट्रल पार्ट। पेरिफेरल पार्ट को अगेन हम लोग थ्री सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। एंड सेंट्रल पार्ट को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट इज ऑडिटरी नर्व एंड सेकेंड इज ऑडिटरी कॉर्टेक्स। आउटर ईयर में अगेन हमारे थ्री स्ट्रक्चर्स आते हैं, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। सो पिन्ना जो है हमारा, ये आउटर जो विजिबल पार्ट है इसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं। ये येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, कवर्ड विथ स्किन, और इसके डिफरेंट लैंडमार्क्स होते हैं। सो हम लोग सबसे पहले पिन्ना के जो डिफरेंट लैंडमार्क्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू सी हियर, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ह्यूमन ईयर का मॉडल है, रियल ह्यूमन ईयर का डिपिक्टेड मॉडल है, ऑलमोस्ट वैसा ही है। सो ये जो हमारा है, दिस पार्ट इज नोन एज पिन्ना। ये जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग हेलिक्स बोलते हैं। ये जो पार्ट है ये हमारा हेलिक्स है, ये पार्ट हमारा एंटी हेलिक्स है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रेगस, दिस इज एंटी ट्रेगस। इन बिटवीन दैट देयर इज अ नॉच विच इज नोन एज इंटर ट्रेगियल नॉच। दोनों ट्रेगस के बीच में, ये हो गया हमारा ट्रेगस, ये हो गया एंटी ट्रेगस, इन दोनों के बीच में जो नॉच है उसको हम लोग इंटर ट्रेगियल नॉच बोलेंगे। और ये जो हमारा ओपनिंग ऑफ ईयर कैनाल है, यहाँ पे जो हमारा ओपनिंग ऑफ ईयर कैनाल है इसको हम लोग कॉन्का बोलते हैं। जो गड्ढा हमको दिखता है, जो गड्ढा है जहां से हमारा ईयर कैनाल स्टार्ट होता है, उसको हम लोग कॉन्का बोलते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा एक ट्राइंगुलर शेप में यहाँ पे एक फोसा है, इसको हम लोग ट्राइंगुलर फोसा बोलते हैं। इसका जो शेप है वो ट्राइंगुलर शेप में, इसीलिए हम लोग इसको ट्राइंगुलर फोसा बोलते हैं। सो हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रेगस, एंटी ट्रेगस, इंटर ट्रेगियल नॉच, एंड ये हमारा ट्राइंगुलर फोसा, एंड दिस ओपनिंग ऑफ ईएसी इज नोन एज कॉन्का। यहाँ पे हमारा जो है रियल ह्यूमन ईयर, मैं अपने कान में खुद आपको शो करके बता रहा हूं एक बार और, दिस पार्ट इज हेलिक्स। यहां से हमारा ये चालू होता है जहां पे, तो ये हमारा ये हेलिक्स यहाँ पे मुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हेलिक्स मुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस ऑफ हेलिक्स। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर इज क्रस ऑफ हेलिक्स। यहां से हमारा हेलिक्स चालू होके यहाँ लोब्यूल जहां पे हमारा चालू होता है वहां पे हमारा हेलिक्स खत्म हो जाता है। सो दिस पार्ट इज लोब्यूल। लोब्यूल का पार्ट जो है हमारा, जहां पे खत्म होता है, चालू होता है, वहां पे हमारा हेलिक्स खत्म हो जाता है। ओके, सो दिस इज हेलिक्स, क्रस ऑफ हेलिक्स। दिस स्ट्रक्चर हेलिक्स के सामने में अगर आप देखोगे तो ये हमारा एंटी हेलिक्स है, ये ट्रेगस, ये एंटी ट्रेगस, इंटर ट्रेगियल नॉच, एंड दिस इज ट्राइंगुलर फोसा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेगस के ऊपर में, तो यहाँ पे हमारा कोई कार्टिलेज नहीं रहता है, आप यहाँ पे कोई कार्टिलेज फील नहीं करोगे, जस्ट अबव द ट्रेगस। इसको हम लोग बोलते हैं इंसिस्यूरा टर्मिनलिस। इसका सर्जिकल इंपॉर्टेंस रहता है, जब भी सर्जन सर्जरी के लिए इनसाइड द ईयर कैनाल जाते हैं तो वहीं से हम लोग सर्जन जो है वो कट करके जाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई कार्टिलेज नहीं रहता है। सो दिस इज द बेसिक एनाटॉमी ऑफ पिन्ना। इसमें पिन्ना के जो है फंक्शंस टू होते हैं, एकॉस्टिकल फंक्शन भी होते हैं, नॉन एकॉस्टिकल फंक्शन भी होते हैं। अंडर द एकॉस्टिकल फंक्शन इसका जो काम है वो ये है कि ये साउंड को कलेक्ट करता है, कलेक्शन ऑफ साउंड, एंड इवन लोकलाइजेशन ऑफ साउंड में भी ये हेल्प करते हैं। ओके, नॉन एकॉस्टिकल फंक्शन में इनके भी काम रहते हैं पिन्ना के, लाइक इट एनहांस द ब्यूटी ऑफ फेस। ओके, सो आप इमेजिन कीजिए कि विदाउट पिन्ना फेस कैसा दिखेगा, लाइक राइट, पिन्ना के साथ ही ये अच्छा दिखता है। सो इट एनहांस द ब्यूटी ऑफ फेस। ओके, और इसमें जो डिफरेंट अर्नामेंट्स वगैरह हैं वो भी आप लगा सकते हैं। सो दिस कम्स अंडर द नॉन एकॉस्टिकल फंक्शन। ओके, ये पिन्ना का हो गया।
आफ्टर दैट हमारा जो सेकेंड पार्ट है आउटर ईयर में, वो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स। ओके, अप्रोक्सीमेटली जो हमारा ईयर कैनाल है उसका लेंथ होता है 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर इन एडल्ट। ओके, इट इज अप्रोक्सीमेट लेंथ 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको एमएम में बोलूं तो 25 mm to 35 mm इसका लेंथ होता है। सो इसका जो ईयर कैनाल है, इफ यू इमेजिन माई ईयर कैनाल ऑफ राइट ईयर लाइक दिस, सो इट्स आउटर 1/3 इज कार्टिलेजिनस पार्ट एंड इनर 2/3 इज बोनी। बाहर का जो 1/3 पार्ट है टोटल ईयर कैनाल को, अगर मैं तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं तो बाहर का तीन भाग में से एक भाग 1/3 कार्टिलेजिनस पार्ट है, इनर 2/3 बोनी है। सो अगर हमारे ईयर कैनाल का लेंथ 30 mm है, 3 cm है, सो आउटर 1 cm मेरा कार्टिलेजिनस हो जाएगा एंड इनर 2 cm मेरा बोनी हो जाएगा। ओके, आउटर पार्ट जो है हमारा कार्टिलेजिनस पार्ट, उसमें हमारे टू टाइप्स के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड्स एंड सीबेसियस ग्लैंड। ओके, सेरुमिनस से सीरम सिक्रेशन होता है, सीबेसियस ग्लैंड से सीबम, और दोनों फाइनली मिलके ईयर वैक्स बनाते हैं। ईयर वैक्स के भी डिफरेंट फंक्शन है, ये नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है ईयर कैनाल का एंड फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करता है हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर के डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को। ओके, सो ये जो सेरुमिनस एंड सीबेसियस ग्लैंड है आउटर 1/3 में ही पाए जाते हैं। इनर 2/3 हमारा जो पार्ट है उसमें ओनली स्किन कवर्ड रहता है, उसमें कोई हेयर फॉलिकल्स या कोई ग्लैंड्स नहीं रहते हैं। जो भी हेयर फॉलिकल्स एंड ग्लैंड्स हैं वो हमारे आउटर 1/3 में ही रहते हैं। और ईयर कैनाल का काम होता है साउंड को ट्रांसमिट करना फ्रॉम पिन्ना टू दी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन।